एक उबेर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि उसके कैब में एक महिला यात्री को घुसकर कथित तौर पर हस्तमैथुन किया गया था। प्रतिनिधि छवि रायता। यह घटना 15 अप्रैल की रात ल्यूटियन दिल्ली में हुई थी। आरोपी शोकेन खान के रूप में पहचाने जाते हैं को गिरफ्तार कर लिया गया और नकली ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हुआ पाया। महिला ने हवाई अड्डे से टैक्सी को बुक किया था। उसने चालक को पहिया पर हस्तमैथुन देखा। जब जनपद के पास टैक्सी पहुंची, उसने ड्राइवर को एक पुलिस वाहन के पास बंद करने को कहा। चालक घटनास्थल से भाग गया लेकिन बाद में गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने कहा। एक बयान में उबेर ने कहा कि वे जांच के साथ सहयोग कर रहे थे। कैब एग्रीगेटर के एक प्रवक्ता ने कहा, जो वर्णित किया गया है वह शोचनीय है और किसी को कभी भी नहीं जाना चाहिए। हम स्थानीय अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं ताकि उनकी जांच और कार्यवाही किसी भी तरह संभव हो सके। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के वसंत कुंज क्षेत्र में दो महिलाओं के सामने कथित तौर पर चमोकता हुआ और हस्तमैथुन करने के लिए कुछ दिन पहले एक ताइक्वांडो प्रशिक्षक को गिरफ्तार किया गया था।